वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, आज मैं कैबेज की रोटी बनाने की विधि बताऊंगी। चने के दाल जिसे मैंने 6 घंटा पहले पानी में भिगोकर मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, बारीक कटा हुआ कैबेज, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक बाउल में चने दाल का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गोलकी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और कैबेज यानी बंद गोभी। इन सारे सामग्रियों को हम मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने मिक्स कर लिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब कैबेज की रोटी को पलटेंगे। अब इस पर थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करेंगे। कैबेज की रोटी रेडी हो गए हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।